टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। उपचुनाव के बाद सभी सियासी पार्टियां नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। इसी बीच 17 मेयर के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। इसी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे किन किन 3 सीटों पर महिलाओं को मौका मिल रहा है, जबकि 8 शहरों में समान वर्ग के लोगों को मौका मिलेगा। देखिए हमारी इस नगर संग्राम से जुड़ी स्पेशल रिपोर्ट में। 2 शहरों में SC, 4 शहरों में OBC वर्ग के होंगे मेयर, 3 शहरों में महिला मेयर। अयोध्या, मुरादाबाद और सहारनपुर में होंगी महिला मेयर। 8 शहरों में सामान्य वर्ग के होंगे मेयर। 27 नगरपालिका चेयरमैन SC वर्ग से होंगे। 40 नगरपालिका में महिला होंगी चेयरमैन। 79 नगरपालिका में सामान्य वर्ग के होंगे चेयरमैन। फिरोजाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर अनारक्षित। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखें अब जल्द ही घोषित हो जाएंगी। जिस आरक्षण के फार्मूले का इंतजार किया जा रहा था वो जारी कर दिया गया है। 17 नगर निगम में मेयर पद के लिए 8 सीटों को अनारक्षित रखा गया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए 3 सीट रिजर्व की गई है। निकाय चुनाव में 17 नगर निगम के मेयर, 200 नगर पालिका के अध्यक्ष और 546 नगर पंचायतों के अध्यक्ष चुने जाने हैं। उत्तर प्रदेश में शहर की सरकार चुनने का इंतजार हर कोई कर रहा है। सियासी दल हो, नेता हो या आम लोग, हर कोई इंतजार कर रहा है कि जल्द स्थानीय निकाय के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो। दरअसल आरक्षण लागू करने का एक तय फार्मूला है, इसे चक्रानुक्रम फार्मूला कहा जाता है। इस फार्मूले के तहत कोई भी सीट सबसे पहले महिला SC के लिए आरक्षित होती है। इससे अगली बार चरणवार तरीके से SC के लिए, फिर अगली बार OBC महिला के लिए, फिर OBC, फिर महिला आरक्षित और फिर इसके अगली बार यही अनारक्षित सीट होती है। बता दें कि स्थानीय निकाय चुनाव के लिए हर सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस निकाय चुनाव को एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। BJP के लिए जहां ये दूसरी बार सरकार बनाने के बाद अपना दमखम दिखाने का मौका होगा, तो वहीं सपा उसे कड़ी टक्कर देना चाहेगी। कांग्रेस और BSP के सामने एक बार फिर से अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने की चुनौती होगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।